तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिजाबेथन लिरिक्स एंड सोनेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड दैट टाइम क्वीन एलिजाबेथ वॉज रूल्ड इन इंग्लैंड, दिस पीरियड इज नोन एज एलिजाबेथन एज। जिस टाइम पे एलिजाबेथ क्वीन थी और जिस टाइम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस टाइम क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड पे राज कर रही थी, इंग्लैंड पे रूल कर रही थी, उस टाइम पीरियड को हम एलिजाबेथन के एज से जानते हैं। इन दिस एज देयर आर मैनी पोएट्री लाइक एपिक, मॉक एपिक, बैलेट्स, सोनेट्स एट्सेट्रा। उस टाइम में काफ़ी पोएट्री हुआ करती थी, एपिक, मॉक एपिक, बैलेट और सोनेट्स। दे हैड मैनी पोएट्रिक ट्रेजर, उनके पास पोएट्री का खजाना था, उनके पास पोएट्रिक ट्रेजर था बहुत सारा। द टाइम ऑफ एलिजाबेथन इज अ नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड, एलिजाबेथ के टाइम को हम गाने वाली चिड़ियों का घोंसला भी कह सकते हैं। दे हैड मैनी पोएट्रिक ट्रेजर, इन दिस एज पोएट राइट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोएट्री। उस टाइम में पोएट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोएट्रीज लिखते थे। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इन दिस एज वॉज द सोनेट, सॉन्ग्स एंड द लिरिक्स। द थॉमस, सर थॉमस वेट्स एंड हेनरी हावर्ड हैज द अर्ल ऑफ सूरे। थॉमस वेट्स और हेनरी हावर्ड के पास अर्ल ऑफ सूरे था, जो कि एक पद था। द फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड में सबसे पहले इंग्लिश लाया, इंग्लैंड को इंग्लिश से इंट्रोड्यूस्ड कराया, इंग्लिश को इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस्ड कराया, यानी कि इंग्लैंड को इंग्लिश से और इंग्लिश को इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस्ड करवाया। सबसे पहले इंग्लिश सर थॉमस वेट्स और हेनरी हावर्ड ने ही लाया था इंग्लैंड में। शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट सोनेटर ऑफ द एलिजाबेथन एज, शेक्सपियर एक बहुत ही ग्रेटेस्ट सोनेटर थे एलिजाबेथन एज के। ही नोन एज द फादर ऑफ ड्रामा, उन्हें हम फादर ऑफ ड्रामा से भी जानते हैं। ही रोट 154 सोनेट्स, उन्होंने 154 सोनेट्स लिखा। द सॉन्ग ऑफ लिरिक्स आर वेरी इमोशनल, जो सॉन्ग्स ऑफ लिरिक्स होते थे उस टाइम के, एलिजाबेथन टाइम के, वो बहुत ही इमोशनल हुआ करते थे। ही इंट्रोड्यूस स्वीट स्वीट सॉन्ग्स इन देयर रोमांटिक पोएट्री, वो अपने स्वीट सॉन्ग्स को रोमांटिक पोएट्री में भी यूज किया करते थे। शेक्सपियर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स आर मोर इमॉर्टल एंड यूनिवर्सल देन अदर राइटर, शेक्सपियर के सॉन्ग्स और सोनेट्स बहुत ही ज़्यादा इमॉर्टल और यूनिवर्सल होते थे अदर राइटर्स के मुकाबले। ही राइट्स 154 सोनेट्स, फर्स्ट 126 सोनेट एड्रेस टू यंग हैंडसम यूथ, उनकी पहली जो 126 सोनेट्स थी उन्होंने किसी यंग हैंडसम यूथ को एड्रेस कर दिया, उनके नाम कर दिया, हम ऐसा भी कह सकते हैं। 127 टू 154, 126 के बाद जितने भी पोइट्स थे, जितने भी सोनेट्स थे, उन्हें शेक्सपियर ने किसी अननोन डार्क लेडी को, जिन्होंने पोएट को धोखा दिया किसी यंग मैन के लिए, तो उन्हों शेक्सपियर ने 127 टू 154 सोनेट्स उनको एड्रेस कर दिया। सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी वॉज प्रिंस ऑफ सोनेट्स एंड लिरिक्स। सर फिलिप सिडनी को हम प्रिंस ऑफ सोनेट्स एंड लिरिक्स से भी जानते हैं, या फिर उन्हें प्रिंस ऑफ सोनेट एंड लिरिक्स भी कहते हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट एक्सेप्ट शेक्सपियर, वो ग्रेटेस्ट थे, महान थे एक्सेप्ट शेक्सपियर। ही
ही हैज़ 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग। उन्होंने 108 सोनेट्स लिखा था और 11 सॉन्ग्स लिखा था, 11 सॉन्ग्स लिखा था। हिज अमेजिंग वर्क इज़ एस्टोफेल एंड एस्टेला। इन दिस वर्क ही राइट अबाउट हिज लवर। उनका अमेजिंग वर्क था, एक बहुत अच्छा वर्क था, एस्टोफेल एंड एस्टेला। उस वर्क में उन्होंने अपने लवर पेनेलोप के बारे में लिखा था। सिडनी और पेनेलोप गेट मैरिड इन द एज ऑफ 14। सिडनी और पेनेलोप शादी कर लेते हैं 14 ईयर के एज में। इन हर फादर देन हर फादर ब्रोक देयर मैरिज विथ सिडनी। उनके पिता सिडनी, सर फिलिप सिडनी के साथ पेनेलोप की शादी तुड़वा देते हैं और फोर्सिबली उन्हें लॉर्ड रिच के साथ बांध देते हैं, यानी कि लॉर्ड रिच के साथ ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। फिलिप सिडनी वॉज वेरी अपसेट एंड ब्रोक डाउन। द सोनेट्स आर ऑल एन इन्फ्लुएंस ऑफ रियल पैशन। सिडनी वहीं पे ब्रोकन हो जाते हैं और ये सारे अपने जो वो सोनेट्स लिखे हैं द एस्टोफेल एंड एस्टेला, वो अपनी रियल पैशन, रियल फीलिंग्स, रियल अनुभव वो अपने उसमें शामिल करते हैं। आई होप आपको एलिजाबेथन लिरिक्स एंड सोनेट्स बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें।